एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली और लेडीज के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। तो क्या होता है एक्चुअली, जो लेडीज वगैरह होती हैं, ब्यूटीफुल जो गर्ल्स होती हैं, उन सबको क्या होता है, मेकअप बहुत पसंद होता है यार। हम सबको मेकअप बहुत पसंद होता है करना। एक्चुअली हमें क्या होता है, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम किसी वेडिंग में जा रहे हैं, तो हमें लगता है यार हमें थोड़ा मेकअप करके बाहर जाना चाहिए। तो मेकअप जो होता है हमारा थोड़ा करते करते हैवी भी हो जाता है, वेडिंग वगैरह में मेकअप यार थोड़ा हैवी हो ही जाता है। फिर उस टाइम तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम चले जाते हैं, फिर जब हम आते हैं तो हमें लगता है यार ये मेकअप जो है कुछ ऐसा हमें मिल जाए जो ये जो मेकअप है हमने कर रखा ये फटाफट एक सेकेंड में, एक मिनट में ही रिमूव हो जाए। तो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आप सबके लिए लेकर आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं ना, ये है अयूर का हर्बल डीप पोर क्लींजिंग मिल्क विद एलोवेरा है इसमें, रोज है इसमें, कुकम्बर है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये क्लींजिंग मिल्क आपका जो मेकअप है उसको बहुत ही जल्दी रिमूव कर देता है, चाहे आपने मेकअप लाइट किया हो या आपने मेकअप थोड़ा हैवी किया हो, ये फटाफट से रिमूव कर देता है। ये मेकअप को तो रिमूव करता ही करता है। मान लो अगर आपको मेकअप करना है, मेकअप करने से पहले क्या होता है, हमारी जो फेस पे डर्ट वगैरह जो होती है, धूल मिट्टी वगैरह हमारे फेस पे जम जाती है, तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उनको ओपन करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है गाइस, बहुत ही हेल्पफुल है ये। तो मेकअप को तो रिमूव करता है ये, मेकअप करने के बाद अगर हमें मेकअप रिमूव करना है तो ये बहुत ही बेस्ट है। और ये एक चीज के लिए और भी बेस्ट है, हमें मेकअप हमने नहीं किया है, हमें मेकअप करना है, इससे पहले हमें अपना जो फेस है उसको क्लीन करना है, तो हम इसको थोड़ा सा लेके और अपने फेस पे अच्छे से 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करके, और जो हमारे पोर्स होते हैं वो इससे ओपन हो जाते हैं। धूल वगैरह में मैंने आपको बताया कि वो जो होते हैं पोर्स वो बंद हो जाते हैं, ये उनको ओपन कर देता है। तो हम इसको मेकअप करने से पहले भी यूज कर सकते हैं गाइस, और मेकअप करने के बाद मेकअप को हटाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी गाइस कि इसको कैसे यूज करना है। तो ये है मेरे पास क्लींजिंग मिल्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इसको ले लेती हूँ। ये मिल्क की तरह होता है, मैंने आपको बताया ना मिल्क है ये, तो मैंने ये ले लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है गाइस, अब हम इसको अपने फेस पे लगाएंगे। आप लोग देख रहे हो मैंने इस टाइम मेकअप कर रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप इससे कितनी जल्दी जो है रिमूव हो जाता है। मैंने 3 फिंगर से इसको हम अपने फेस पे अच्छे से लगा लेंगे, बहुत ही बेस्ट है गाइस ये मेकअप रिमूव करने के लिए, और मेकअप यूज करने से पहले अपने पोर्स वगैरह को ओपन करने के लिए गाइस बहुत अच्छा है। मैंने इसको अपने फिंगर पे ऐसे ले लिया है। अब हमें 5 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से इसको लगाना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ मैंने मेकअप कर रखा है, अभी देखना मेरा मेकअप जो है मैंने सब कुछ लगा रखा है अपने फेस पे। एक्चुअली जो मेकअप हम लगाते हैं हमें अच्छे से मसाज करना है 5 मिनट तक। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सा रोज वाटर लेना है। तो ये है मेरे पास रोज वाटर, अब ये आप लोग देख सकते हैं ना मेरे पास ये रोज वाटर है। मैं इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। तो मैंने अपने हाथ पर रोज वाटर को ले लिया है। अब इसको हम ऐसे से कर लेंगे, दोनों हथेली पे हम अच्छे से रोज वाटर को ले लेंगे ये है, और हमें रोज वाटर से भी ऐसे मसाज करनी है। अभी आप देखना, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी गाइस, कितना क्लीन हो जाएगा मेरा फेस और बहुत ही शाइनी हो जाएगा। बट 5 मिनट तक हमें, 5 मिनट हमें देना है अपने फेस के लिए। कितना मजा आ रहा है, ये जो नोज एरिया होता है ना, यहाँ पे क्या होता है हमारे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उन सबको भी रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल है क्लींजिंग मिल्क विद ये जो मैंने लगाया है रोज वाटर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चे दूध को लेके कॉटन में लगा के और अपने फेस
पे लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। दूध वगैरह तो हमारे लिए वैसे भी बहुत बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गाइस ये जो क्लींजिंग मिल्क है ये ऑल स्किन टाइप है, ये हमारे पीएच लेवल को बैलेंस्ड रखता है। इसमें मैंने आपको बताया था इसमें खीरा है, इसमें गुलाब है, इसमें एलोवेरा है। मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ, मैंने थोड़ा सा और ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा जो मसाज है वो हमने कर ली है, अच्छे से क्लीन कर लिया है अपने फेस को। अब मेरे पास है ये बेड वाइप्स, आप लोग देख सकते हैं ना, ये मेरे पास है बेड वाइप्स। इसकी हेल्प से मैं इसको रिमूव करूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहां से रिमूव करना शुरू किया, ये आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग देख सकते हो ना, जितना भी मेकअप था वो सारा का सारा रिमूव हो गया। अभी मैं आपको बेड वाइप्स है ना जो मेरे पास, जिसे मैं रिमूव कर रही हूँ, मैं आपको वो दिखाऊंगी और अपना फेस का जो मेरा फाइनल रिजल्ट है गाइस मैं आपको वो दिखाती हूँ। पहले हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे, मैंने काजल वगैरह भी लगा रखा था, आप लोग देख रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे को देखा ही होगा मैंने कितना मेकअप कर रखा था गाइस। सब रिमूव हो गया है, पूरा ये जो वाइप्स है ना ये सारा रेड रेड हो गया, क्योंकि हमारा जो मेकअप था वो तो सारा हमारा रिमूव हो गया क्लींजिंग मिल्क और रोज वाटर की हेल्प से। सो आप लोग देख सकते हो, आपको दिख रहा है ना, तो ये जो क्लींजिंग मिल्क है हमारे फेस के लिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए, पोर्स को ओपन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है गाइस। मैंने आपको वो डेमो करके दिखाया, आपके सामने दिखाया है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं किसी वेबसाइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, और आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हो, लोकल मार्केट से ले सकते हो, ऑनलाइन या किसी वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हो गाइस। बहुत ही अच्छा है, आपका मेकअप छट से रिमूव कर देता है, आपके जो पोर्स बंद हो जाते हैं उनको ओपन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मैं आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ गाइस, इसलिए जितने भी लेडीज हैं सबको परचेज, ये जो मिल्क क्लींजिंग मिल्क है इसको परचेज कर सकती है, बहुत ही अच्छा है ये क्लींजिंग मिल्क। तो आप लोग मेरा देख सकते हैं फाइनल लुक। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार मैं आपको और दिखा देती हूँ ये आयुर का जो क्लींजिंग मिल्क है गाइस। टाटा बाय बाय।